हिंदी साहित्य जगत में अनेक महान कवि हुए हैं। उन्हीं महान कवियों की श्रृंखला में एक नाम है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का। उन्होंने जो भी कुछ लिखा वो हिंदी साहित्य में एक मील के पत्थर जोड़ने जैसा है। आज हम उनकी जिस कविता की चर्चा करेंगे उस कविता का नाम है अग्निपथ। अग्निपथ की इस कविता को आपको उनके सुपुत्र श्री अमिताभ बच्चन की आवाज में अवश्य सुनना चाहिए। उन्होंने इस कविता को कहते समय इसके साथ पूरा न्याय किया है। बहुत सुंदर शब्दों में अमिताभ जी ने इस कविता का पाठ किया है। तो अब हम थोड़ी बातचीत करेंगे अग्निपथ पर। एक अध्यापिका ने मुझसे कहा कि अग्निपथ बहुत छोटी कविता है और इसमें बहुत स्थान पर तो हमें इसकी भाषा समझ में नहीं आती। तो उसका कुल कारण इतना है कि इसमें सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। अभी व्यंजना इसमें चारों ओर परिलक्षित हो रही हैं, प्रतीकार्थ के पुष्प बिखरे पड़े हैं, तो इसलिए इस कविता को थोड़ा डीकोड करना पड़ता है। वैसे तो सभी कविताओं को करना पड़ता है, किंतु इन कविताओं में जो कि उन हिंदी के आधार स्तंभों की कविताएं हैं, कुछ कविता रहस्यवादी हैं, कुछ छायावादी हैं, कुछ प्रगतिवादी हैं, तो इन कविताओं के साथ व्यंजना बहुत गहरे से दूर तक चलती है। तो आइए हम भी चलें इस कविता के साथ और जानें किस अग्निपथ की बात हरिवंश राय बच्चन कर रहे हैं और किस तरह का ये अग्निपथ है, इस पर चलने की कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो उन्हीं के द्वारा रचे गए शब्दों के साथ अब हम इस अग्निपथ में प्रवेश करते हैं। अग्निपथ, 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 ये जो पूरा जीवन है ये आग से भरा एक रास्ता है। अब आग से भरे रास्ते का क्या मतलब हुआ? आग प्रतीक होती है संकट की, मुसीबत की। तो ये पूरा जीवन संकटों और मुसीबतों से भरा हुआ है और इसी अग्निपथ से होकर हमें जाना है। जन्म लेते ही अग्निपथ शुरू हो जाता है। आप देखते होंगे बच्चे का पैदल चलना उठकर, ये भी एक बहुत बड़ा अग्निपथ है। उसे संतुलित करना पड़ता है खुद को चलने के लिए, तभी वो चल पाता है। उसके बाद पढ़ाई शुरू होती है, पढ़ाई के हजार विषय, उनकी हजार बातें, उन सबको याद करना, और इन सब के बाद परीक्षा में अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होना। ये छोटे छोटे से अग्निपथ हैं जो आगे जाके और बड़ी बड़ी अग्नियों के साथ मिलकर एक विशाल आग का रास्ता तैयार करते हैं। तो संसार के इस अग्निपथ से होकर हमें गुजरना है। अब कवि तीन बार इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। कहा भी जा सकता है कि कवि ने एक बार ही क्यों नहीं कह दिया, बात समाप्त हो जाती। तीन बार ये अग्निपथ कहने की क्या आवश्यकता है? तो जब भी हमें किसी बात को बलपूर्वक कहना होता है या किसी बात पर ध्यान आकर्षित करना होता है तो हम उसे तीन बार बोलते हैं। इसी कारण से तीन बार अग्निपथ कवि ने कहा है अपनी बात पर बल देने के लिए। आगे कवि क्या कहते हैं, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े। अब कहते हैं कि जब तुम इस संसार के अग्निपथ के रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें बहुत बड़े बड़े वृक्ष मिलेंगे। अब यहां एक बात को समझिए, इस पूरी कविता में सारी बातें बड़े सांकेतिक रूप से कही गई हैं, अभिव्यंजित हो रही हैं, वो सीधा सीधा अर्थ नहीं कहा गया, अभिधा में बात नहीं कही गई। कवि कह रहे हैं वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, तुम्हारे आसपास चाहे कितने भी समर्थ लोग क्यों ना खड़े हों। घने और बड़े वृक्ष प्रतीक हैं धनी और सामर्थ्यवान लोगों का। जीवन में ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं जब आप पर बहुत मुसीबतें आती हैं और आपके आसपास बहुत समर्थ लोग खड़े होते हैं,
धनवान लोग खड़े होते हैं, उन्हीं समर्थ लोगों को कहा है, वृक्ष हो भले खड़े, चाहे तुम्हारे आसपास कितने सामर्थ्यवान लोग क्यों ना खड़े हों, फिर भी एक पत्र चाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। फिर वही तीन बार अपनी बात पर बल देने के लिए कहता है, एक पत्ते की भी छाया उनसे मत मांग चाहे जितने बड़े पेड़ हों। यानी तेरे आसपास मदद करने वाले चाहे कितने भी लोग हों, उनसे एक पत्ते की भी छाया यानी जरा से भी उनसे मदद मत मांग, खुद आगे बढ़। अग्निपथ, 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 क्योंकि ये आग से भरा हुआ रास्ता है, इसलिए उसे तुझे खुद पार करना होगा अपने आप आगे चलकर। अब ये जो अग्निपथ वाली बात यहाँ पर कही गई है, देखा जाए तो हम और आप लोग कोई अग्निपथ पर नहीं चल रहे हैं, हम तो बड़े बढ़िया रास्ते पर चल रहे हैं। अग्निपथ पर जो लोग चले वो अलग प्रकार के थे, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद, ओशो इत्यादि, ये लोग वो रहे हैं जो सच में अग्निपथ पर चले हैं, आग के रास्ते पर। हमारे रास्ते कोई आग वाले रास्ते नहीं है, ये छोटी छोटी सी परेशानियां, छोटी छोटी सी कठिनाइयां कोई अग्निपथ नहीं होती। और हम किस आग के रास्ते पर चल रहे हैं, कोई आग का रास्ता नहीं है हमारा। हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, हम जो इतनी मेहनत करके आगे अपना व्यापार करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, खुद अच्छा पैसा कमाने के लिए। हम जो भी कुछ मेहनत कर रहे हैं, जो भी कुछ मुसीबतों से लड़ रहे हैं, हम ये अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने जीवन को और सुखी बनाने के लिए। लेकिन ये जो लोग, जो महापुरुषों के जिन मैंने अभी नाम लिए, जिनके ये संसार की भलाई के लिए अग्निपथ पर चल रहे थे, तो उनका अग्निपथ पर चलना, और उन्होंने किसी से मदद नहीं ली, भगवान बुद्ध, महावीर इत्यादि जितने भी मैंने बताए, ये लोग, महाराणा प्रताप, अब ये इस प्रकार के जो लोग थे ये चले हैं। दरअसल इस जो पहले वाला मैंने अभी स्टेंजा कहा, जो चार पंक्तियां बताई, ये वो लोग थे। आगे क्या कहते हैं मनुष्य के लिए कवि, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। उसे वो कसमें दिला रहे हैं कि कसम खा, तीन बार कहते ना, कसम खा, कसम खा, कसम खा, क्या कि तू कभी थकेगा नहीं इस रास्ते पर, और थमेगा भी नहीं, रुक भी नहीं जाएगा, और मुड़ेगा भी नहीं, वापस भी नहीं लौटेगा, पलायन नहीं करेगा, एस्केप नहीं करेगा। तो ये कसम खा कि इस अग्निपथ पर तू निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। ये जो आग का रास्ता है यानी संघर्षों पर विजय प्राप्त करने का रास्ता, यह महान दृश्य है। कौन सा दृश्य महान है भाई, कवि कह रहे देखो बड़ा महान दृश्य है, क्या चल रहा मनुष्य है। अब कुछ लोग पूछते हैं इसमें क्या खास बात है, चल रहा मनुष्य है, इसमें कौन सा महान दृश्य हो गया। जैसा कि मैंने अभी पहले ही कहा था कि यह कविता पूरी सांकेतिक भाषा में है, इसको डिकोड करना पड़ता है, इसके गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। ये कहता है चल रहा मनुष्य है, मनुष्य का चलने का क्या है कि मनुष्य रुक नहीं रहा, थका हुआ नहीं है, कितनी भी मुसीबतें आए लेकिन वो चलता रहता है। जापान के ऊपर देखो कितनी त्रासदियां हुई है आज तक। अगर इस कविता की पंक्ति को समझना है तो जापान से सुंदर उदाहरण हमारे पास नहीं है। एक से एक तबाही कुदरत की और इंसानों की जापान के ऊपर आई, लेकिन उसके बाद भी चल रहा मनुष्य है, ये जापान का जो मनुष्य है ये चल रहा है, रुका नहीं है, फिर से नव निर्माण कर देता है। हर तबाही के बाद, हर विनाश के बाद इतना सुंदर निर्माण करता है कि देखकर कोई कह भी नहीं सकता कि यहां कभी विनाश हुआ हो। तो ऐसे वीर पुरुषों के लिए, पुरुषार्थी मनुष्यों के लिए कवि ने कहा है कि यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, 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 किससे सना हुआ, आंसुओं से। जापान पर जितनी तबाहियां आई कितने आंसू बहे उसके, स्वेद कितना पसीना बहाया उसने, रक्त कितना खून बहा, खून पसीना, उनसे लथपथ होकर उसने फिर से नवनिर्माण किया। तो ये रास्ता है अग्निपथ, अग्निपथ,
अग्निपथ। ऐसे इस अग्निपथ से भरे हुए रास्ते पर हमें दृढ़ निश्चय और संकल्प पूर्व होकर विजयी होना है, आगे बढ़ना है, निरंतर बढ़ना है। यही प्रेरणा कवि अपने इन शब्दों में मनुष्य को दे रहा है।